नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको डायरिया के साइन सिम्टम्स, उसके लक्षण, उसके कॉजेज और उसके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दूंगी। तो मैं डॉक्टर सुनीता आपका लिव हेल्थी चैनल में स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। डायरिया यानी दस्त, गुदामार्ग से अत्यधिक पतले मल का बार बार निकलना दस्त कहलाता है, या अतिसार भी कहते हैं इसको। गर्मी के दिनों में लूज मोशंस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अगर यह लूज मोशन पतले मल से युक्त होते हैं और बार बार होते हैं तो हम इसे डायरिया कहते हैं या इसे दस्त कहते हैं। इसका कारण बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट्स होते हैं, जैसे कि ई कोली, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ये सभी बैक्टीरिया, वायरसेस इन सब के कारण होते हैं। और इनके कारण से पेट में इंफ्लामेशन हो जाती है और फिर आपको लूज मोशंस हो जाते हैं। अति शीतल पदार्थों का सेवन करने से भी, गंदा पानी पीने से भी, या पेट में कीड़े होने के कारण भी हो सकता है, और विष के प्रयोग से भी डायरिया हो सकता है। अजीर्ण के भोजन के न पचने के कारण भी डायरिया हो सकता है। जिंक की कमी के कारण भी डायरिया होता है और विटामिन ए की कमी के कारण भी डायरिया हो सकता है। अब हम इसके लक्षणों के बारे में जानते हैं। पेट में दर्द होना, पेट में मरोड़ के साथ दर्द होना, पेट में सूजन होना, मल में बदबू आना, बार बार शब्द युक्त मल का त्याग करना और ज़्यादा मात्रा में द्रव्यमल यानी कि पतले मल का त्याग करना, ठीक है, और मल के साथ साथ ब्लड भी आ सकता है, बुखार भी हो सकता है और मूत्र की मात्रा भी कम हो सकती है। अब हम जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, डायरिया क्यों होता है। साफ़ सफाई इसका मेन कारण होते हैं। आप जितनी साफ़ सफाई रखेंगे उतना ही आपको डायरिया होने से बच सकते हैं। जैसे कि आपके बाथरूम की सफाई, आपके जो है लैट्रिन वगैरह कितनी साफ़ रहती है, सैनिटाइजेशन कैसा होता है, आपको अगर नगर निगम से नल में गंदा पानी आता है उसके कारण भी आपको जो है डायरिया हो सकता है। डायरिया के कारण शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, इलास्टिसिटी ऑफ स्किन यानी कि स्किन की इलास्टिसिटी में कम हो जाती है, उसको खींचने पर छूट जाती है, यूरिनेशन कम हो जाएगा, हार्ट रेट भी बढ़ जाएगी, पल्स रेट भी जो है बढ़ जाता है। जिनकी लीवर और आंतें कमज़ोर होती है उन्हीं को बार बार डायरिया यानी दस्त की प्रॉब्लम होती है। अब हम इसके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। रामबाण रस 250 ग्राम, संजीवनी वट्टी 250 ग्राम, बिल्लावादी चूर्ण 100 ग्राम, गंगाधर चूर्ण 50 ग्राम, शंख भस्म 10 ग्राम, ताड़ी मस्तक चूर्ण 2 ग्राम, इन सभी औषधों को मिलाकर 60 पुड़िया बनाएं। खाने के आधा घंटा पहले शहद या जल से सुबह और शाम इनका सेवन करना चाहिए। दस्त लगने के बाद मल के साथ अगर रक्त भी आता है तो आप इन औषधों का भी सेवन कर सकते हैं। बिल्वादी चूर्ण 100 ग्राम, सौंफ चूर्ण 50 ग्राम, इसबगोल 50 ग्राम, आधा भुना जीरा 20 ग्राम, इन सभी औषधों को मिलाकर रख लें और एक एक चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार ठंडे जल के साथ सेवन करें। भोजन के बाद कुटजारेस्ट और जीरका दृष्ट 20-20 ml की मात्रा में समान मात्रा में पानी मिलाकर सेवन करना चाहिए और रोगी को मूंग की दाल प्लस चावल मिलाकर खिचड़ी बनाकर दही के साथ खाने चाहिए। अनार का जूस लेना चाहिए और खाने में केले का सेवन करना चाहिए, छाछ, लौकी और दलिया का सेवन करना चाहिए और रोगी को कुर्ज घनवट्टी 2-2 गोली सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम खाने के बाद लेनी चाहिए। रोगी को आयुर्वेदिक औषधियों के साथ साथ कुछ परहेज भी करने चाहिए, जैसे कि दूध, खीर, बेसन और मैदा से बने हुए पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, उसको फास्ट फूड का भी सेवन नहीं करना चाहिए। रोगी को विश्राम करना चाहिए और लघु और सुपाच्य आहार ही लेना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।